तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग होने जा रहा है, फिर नैनीताल के उसको होने जा रहा है कि नैनीताल में हमारी पर्यटकों की संख्या जो बढ़ गई है, पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। और इस टाइम धूप भी जो है काफ़ी चटक हो रही है यहाँ पर नैनीताल में, हमारी धूप काफ़ी मतलब बहुत तेज़ हो रही है। और इस टाइम मैं DSI ग्राउंड में यह इंट्रो दे रहा हूँ, और मेरे जस्ट पीछे लोकल टूर्नामेंट चल रहा है फुटबॉल का। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ फिर से वही अपना ब्लॉग, डेली ब्लॉग कि नैनीताल में टूरिस्ट की संख्या कितनी है। आज है शुक्रवार का दिन है, और जो आज तारीख है 10 सितंबर 2021, और जो टाइम बज रहे हैं इस टाइम 4 बज रहे हैं। और आज मैं दिखाने वाला हूँ कि हमारी टूरिस्ट की संख्या जो है कि नैनीताल में बढ़ चुकी है, टूरिस्टों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो चलते हैं फुटपाथ की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको टूरिस्ट की कितने नए फुटपाथ भी हमारे टूरिस्ट आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं फुटपाथ की तरफ। को मैं जो खड़ा हूँ DSA अपने DSA ग्राउंड में खड़ा हूँ, और सामने हमारा जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि हमारा लोकल टूर्नामेंट चलता है फुटबॉल का, वो तो वहाँ चल रहा है इस टाइम। और जो इस टाइम हमारा मौसम है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ये मौसम हमारा। और मुझे मोबाइल में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि चमक बहुत आ रही है इस टाइम धूप की, और आप ये देख सकते हैं ये मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, ये देख सकते हैं। और फॉग बिल्कुल भी नहीं है, और ये देख सकते हैं आप ये। और जो ये इलाका मैं फिर बता देता हूँ, 7 नंबर का इलाका हमारा, सामने हमारी नगर पालिका है। आप मेरे ब्लॉग में ऐसा जान गए होंगे जो ये रेगुलर मेरे ब्लॉग का वो वॉच करते हैं, तो वो तो पता ही हो गया होगा उनको कि सामने क्या क्या दिख रहा है। और ये हमारा फील्ड है, और इस टाइम मैं फील्ड में ही हूँ, तो कुछ इस प्रकार से हमारा मौसम हो रहा है। आप देख रहे हैं एक लाइन करके ये आ रही है, तो ये धूप की लाइन है, धूप की चमक इस टाइम बहुत वैसी पड़ रही है। तो चलते हैं फुटपाथ की तरफ को, और थोड़ा फुटपाथ आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए कुत्ते कितना आराम फरमा, मतलब आराम कर रहे हैं आप। धूप में कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। ये व्लॉग में हमारी कॉमेडी भी होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, कि कॉमेडी हो व्लॉग देखने में आपको भी अच्छा लगे। और मेरी परछाई आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये मेरी परछाई है। तो चलिए चलते हैं फुटपाथ की तरफ को, थोड़ा सा मैं फुटपाथ आपको दिखाता हूँ और टूरिस्ट दिखाता हूँ। आज जगह थोड़ी मैंने चेंज कर दिया, और थोड़ा सा अपना जो व्लॉग बना रहा हूँ आज मैं उतरना जाके इधर आया हूँ, और जहाँ पर मैं आया हूँ ठंडी सड़क में आया हूँ। और ठंडी सड़क से थोड़ा सा मैं आपको लेक दिखाता हूँ कि हमारी लेक कैसी दिख रही है इस टाइम, और पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और ये शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम मैं यहाँ का व्लॉग बना रहा हूँ। तो उधर मैं अभी जाऊँगा फुटपाथ की तरफ को, पहले मैं थोड़ा सा इधर का व्लॉग बना देता हूँ और इधर का मैं दिखाता हूँ आपको। और ठंडी सड़क मैं इस टाइम आया हूँ, थोड़ा सा मैं ये देख सकते हैं पीछे ठंडी सड़क ये है, और इस टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको लेक दिखाता हूँ, लेक का पानी दिखाता हूँ कहाँ तक आ गया है। तो चलिए चलते हैं उधर की तरफ को। तो आप देख सकते हैं ये, आज मैं इधर की तरफ आया हूँ ठंडी सड़क की तरफ को, और जो हमारा लेक का पानी है ना वो यहाँ तक आ गया देखिए, और इसके जस्ट इधर को मैं ही खड़ा हूँ, ये तो हम बिल्कुल बराबरी में इसका पानी आ गया लेक का। और कुछ इस प्रकार से हमारी नैनीताल की लेक आज बड़ी प्यारी दिख रही है इस टाइम, और धूप देख रहे हैं आप इस टाइम। इधर को जहाँ पे मैं आया हूँ इधर की साइड को धूप नहीं है, और हमारी माल रोड की तरफ को धूप है, बहुत चटक धूप है। तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, सामने देख रहे होंगे पूरा नीला आसमान, टुकड़ों टुकड़ों में बादल हैं, और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम। और जैसे मैंने आपको टाइम बताया था कि 4:15 बज गए हैं, और दिन है जो शुक्रवार का दिन है, तो कुछ मौसम इस प्रकार से है ये, और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम, सुहाना मौसम। और काफ़ी मुझसे इंस्टाग्राम में लोग पूछ रहे हैं कि नैनीताल में आना इस टाइम ठीक है नहीं है, तो नैनीताल में आना इस टाइम बेस्ट ही है, और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। मानसून जो है अतीत, हम अब मौसम हमारा धीरे धीरे जा ही रहा है, तो आप नैनीताल में आइए। और इसके जस्ट बगल में हमारा नैना देवी टेम्पल है, नैना देवी मंदिर, और कल से या परसों से हमारे यहाँ नैना देवी का मेला लगता है। तो मेला तो इस बार नहीं लग रहा है, लेकिन जो उसकी परंपरा होती है वो इस मंदिर में होगी, और इसका भी ब्लॉग मैं लाऊंगा। और जो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, तो उनको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ माँ नंदा सुनंदा जी का डोला यहाँ पे आता है, और इसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसके अंदर ही वो डोला होता है। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा, और इस साल को पूरी कोशिश करूँगा। पहले तो मैंने पिछले साल मैंने ब्लॉग बनाया तो यहाँ से दिखाया था, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। और इस साल जो है पूरी कोशिश करूँगी कि अंदर जाके मैं आपको वो डोला के दर्शन करा सकूँ, आप घर बैठे जो है दर्शन कर पाएँ। तो परसों या हमारे 12 या 13 से वो इला, और डोला यहाँ पे हमारा 15 या 16 वो लग जाएगा। तो ये सामने है मंदिर नैना देवी टेम्पल, ये है सामने आप देख सकते हैं। और मौसम देखिए, थोड़ा
और यहाँ पे आप बोट्स भी बोटिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए पैडी बोट्स और वैसी बोट्स हैं, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और सामने हमारी बोट्स भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं उधर खड़ा था, उधर से मैं फिर ऐसा आया हूँ, आप ये देख सकते हैं ये। और कुछ इस प्रकार से हमारा लेक का पानी है, ये देखिए बिल्कुल हरा दिख रहा होगा ना आपको पानी। तो जो हमारे पहाड़ है ना, इसकी पहाड़ की परछाई पड़ती है, तो उससे हमारा लेक का पानी का रंग बदलते रहता है। अभी आपको इस टाइम ग्रीन दिख रहा होगा बिल्कुल ये। तो इस टाइम जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल में, हमारी जो पर्यटक है उनकी संख्या हमारी यहाँ मतलब आना जाना शुरू हो गया है। और इस टाइम मैं फुटपाथ पर हूँ, तो थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि हमारे फुटपाथ में कितना रश मतलब हो रहा है, पर्यटक का आना जाना शुरू हो गया है। और तो बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं फुटपाथ की तरफ। तो इस टाइम जैसे मैं हूँ फुटपाथ में, आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे फुटबॉल का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें काफ़ी अधिक भीड़ हो रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और मस्जिद की रेलिंग तक में लोग मतलब लड़के बैठे हैं, और फुटबॉल का टूर्नामेंट जो हमारा चल रहा है आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये देख सकते हैं। और इस टाइम मैं जो हूँ फुटपाथ की तरफ हूँ, और काफ़ी मतलब पर्यटक यहाँ पर आए हैं, और काफ़ी मतलब भीड़ हमारी शुरू हो गई नैनीताल में। इसको सीज़न ही लगा लीजिए, एक तरीके से हमारा सीज़न यहाँ पर चल रहा है नैनीताल में। और आज जैसा शुक्रवार का दिन है, और हमारे टूरिस्ट और पर्यटक आप देख रहे हैं कितने आ गए हैं, और दुकानें कुछ इस प्रकार से यहाँ लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इधर तो सब हमारे विंटर के ही कपड़े मिलते हैं, सारे जाड़ों के ही मिलते हैं, सब ये जैकेटें हैं देख सकते हैं आप ये। और चलिए थोड़ा सा आगे को चलते हैं, थोड़ा सा मैं यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इसमें कैंडी स्टैंड भी, इसमें कैंडी भी लगा सकते हैं आप। और कुछ इस प्रकार से इनकी प्राइस क्या है, 150, 80 इस तरीके से स्टार्टिंग है। मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं ये। ये तो कुछ इस प्रकार से हमारा है फुटपाथ का, आप देख रहे हैं भीड़ हो रही है इस टाइम। और थोड़ा सा मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। और कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और अक्सर मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ मैंने अपने ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी नैनी लेक बड़ी प्यारी दिखती है। और आप देख सकते हैं इस टाइम बोट्स ही हमारी काफ़ी चल रही हैं, ये देखिए बोट्स काफ़ी चल रही हैं इस टाइम, जो बज गए 5 बज गए हैं। और टूरिस्ट हैं मतलब पहले के मुताबिक तो ज़्यादा टूरिस्ट हैं आप देख सकते हैं इधर ये। तो बोट्स हमारी इस टाइम चल रही हैं, और काफ़ी मतलब काफ़ी तादाद में इस टाइम बोट्स चल रही है हमारी, काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है आप देख सकते हैं ये। तो
तो ये देखा आपने नैनीताल में फुटपाथ, और फुटपाथ से मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल की लेक। और काफ़ी धूप, मतलब इस टाइम पर बहुत प्यारी धूप आ रही है, आप देख सकते हैं सामने। इधर का पहाड़ का कलर देखो आप, और इधर का पहाड़ का कलर देखो आप। इधर हमारी धूप नहीं है, तो देख सकते हो आप, ठंडी सड़क का एरिया है ये, और इधर हमारी धूप है, आप देख सकते हो। ये देखो, तो ये देखो चेंज। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करूँगी कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने आज दिखाया आपको, वीकेंड के दिन पर्यटक की आवाजाही शुरू हो गई है नैनीताल में, आना जाना फिर से शुरू हो गया, और हमारा सीज़न चल पड़ा है नैनीताल में फिर से। तो नैनीताल एक बार पर्यटकों से फिर नैनीताल हमारा गुलजार हो चुका है। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया फुटपाथ, और मेरे पीछे देख रहे हैं कि नैनी लेक है, और नैनी लेक में इस टाइम बोट से चल रही है, और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, तो बड़ा हवा भी बड़ी मस्त चल रही है, प्यारी चल रही है। लेकिन आप लोगों के वहाँ तो इस टाइम गर्म हो रहा होगा, जो जाहिर सी बात हो, और आप पंखर कूलर में बैठे होंगे, ये ब्लॉग देख रहे होंगे, लेकिन मैं इस टाइम नेचुरल हवा में मैं, और ऐसा लग रहा है कि एसी में बैठा हूँ, क्योंकि इस टाइम जो हवा चल रही है काफ़ी ठंडी चल रही है। और आप मेरे बाल से जो है, मतलब ऐसा वो कर सकते हैं कि इस टाइम हवा बड़ी प्यारी चल रही है, और मेरे बाल देखना आड़े टेढ़े हो गए हैं ब्लॉग करते करते। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को अब एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।